हेलो बच्चों, लेट डिस्कशन। ए लेडर एपी ऑफ लेंथ 5 मीटर इंक्लाइन टू अ वर्टिकल वॉल इज स्लिपिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। वेयर व्हेन ए इज एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल मास एट दिस मोमेंट। आइए बेटा, हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। हमें बताया जा रहा है कि रॉड है ये बेटा, आपके पास एक रॉड है बेटा, है ना, एपी रॉड है। और जिस रॉड का जो लेंथ है बेटा आपके पास यहाँ पे, इस रॉड का जो लेंथ बताया गया है, वो रॉड का लेंथ बेटा आपको यहाँ पे 5 मीटर बताया गया है। और ये रोड यहाँ से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो हाइपोटेन्यूज थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि जो ये लेंथ होगी ओपी, जो लेंथ होगी यहाँ पे, वो ओपी लेंथ आप लिख सकते हो कि जो ओपी लेंथ होने वाली है, परपेंडिकुलर जो होने वाला है, वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बेटा, मतलब 25 माइनस का 9 मतलब 16 का स्क्वायर मतलब 4 मीटर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 मीटर हो जाता है बेटा। और यहाँ पे जो ये एंगल है थीटा, जो एंगल है, अगर मैं इस थीटा एंगल को लिखना चाहूँ तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखा जा सकता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5 लिखा जा सकता है। तो 3/5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एंगल है थीटा जो है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 53 डिग्री का ये एंगल हो जाता है बेटा। तो थीटा कितने का हो गया, 53 डिग्री का एंगल हो जाता है। अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो साइन थीटा का वैल्यू भी 53 डिग्री का, मतलब थीटा आपके पास 53 डिग्री का हो जाता है। तो हमसे ये पूछा गया कि सेंट्रो मास का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंट्रो मास क्या होने वाला है, वो हमसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रो मास का वेलोसिटी क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इस डायग्राम में एक बात नोटिस कर रहे हैं कि जो रॉड है वो आपकी स्लिप करना स्टार्ट कर रही है, मतलब ये आपके पास वाई डायरेक्शन है ना, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। और यहाँ पे आपके पास एक वर्टिकल, ये आपके पास एपी एक रोड है, और इस रोड का जो बॉटम वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, स्लिप कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है। और ये जो पॉइंट आपको नाम दिया गया है, इस पॉइंट का नाम है बेटा ए पॉइंट है। जो ए पॉइंट की वेलोसिटी है मतलब जो इसमें एक्स में चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज इन एक्स है, वो वेलोसिटी आपको यहाँ पर दे रखी है कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, आपको यहाँ पर वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर इसकी अलग, इसकी अलग वेलोसिटी है तो हम यहाँ पे ये एंगल देख रहे पा रहे हैं कि एंगल कितने का है, थीटा का है। तो इस वेलोसिटी का जो इधर कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा 2 cos थीटा, यहाँ पे कंपोनेंट होने वाला है क्योंकि अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो जो ये वाला पॉइंट है, इसका पी पॉइंट है, वो किसी ना किसी स्पीड से नीचे तरफ आ रहा होगा, वो स्पीड बी वन होगी। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा होगा। तो हम अगर बी वन वेलोसिटी का हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर ए पॉइंट आगे जाता है तो बी वन पॉइंट कहाँ पर आएगा, नीचे तरफ मूव करेगा करेगा स्लिप करेगा। तो इसका स्ट्रिंग का जो अलग कंपोनेंट आ जाएगा वो बी वन सेंट आ जाएगा, और परपेंडिकुलर जो है इसका बी वन कॉस्ट आ जाता है। तो बी वन कॉस्ट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा और अलॉन्ग द बी वन सेंट हो जाएगा। ऐसे इसका भी, इसके परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे, अगर परपेंडिकुलर आप देखते हैं तो परपेंडिकुलर जो इसका कंपोनेंट बनेगा, परपेंडिकुलर जो इसका कंपोनेंट बनने वाला है वो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनने वाला है वेलोसिटी का, वो आपका इधर ही तरफ बनेगा, वो इसका इधर तरफ बनेगा 2 sin थीटा बनेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट उधर बनेगा 2 sin थीटा, 2 sin थीटा इधर तरफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है बेटा। तो हम जानते हैं अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी में बराबर होती है, मतलब 2 cos थीटा जो है यहाँ पे, 2 cos थीटा जो है यहाँ पे, वो आपके यहाँ पे वी वन सेंटा के बराबर होगा, अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी हमेशा बराबर होती है। तो वी वन कितना हो गया 2, और cos थीटा मतलब थीटा यहाँ पे 53 डिग्री का है, और sin थीटा भी आपके पास यहाँ पे 53 डिग्री का है ना, 53 डिग्री का है। ये एंगल कितना है, 53 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको 53 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं तो cos 53 का वैल्यू बेटा हमने आपको बताया कि 3/5 होता है, sin 53 का वैल्यू बेटा 4/5 होता है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 3/2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाती है। वी वन स्पीड यहाँ पे क्या शो कर रही है कि यहाँ पे एक्स वाई डायरेक्शन जो है आपकी कम हो रही है, मतलब वाई जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। तो द रेट ऑफ चेंज इन वाई जो है -dy/dt वो यहाँ पे 1.5 मीटर पर सेकेंड है, और जो आपका एक्स चेंज हो रहा था, एक्स इंक्रीज हो रहा था कि यहाँ पे जो एक्स लेंथ है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, वो स्पीड आपके यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है बेटा। तो जो एक्स इंक्रीज हो रहा है dx/dt वो आपको यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो जब ये पॉइंट आपका एक्स में मूव कर रहा है, ये पॉइंट वाई में मूव कर रहा है, तो सेंट्रो मास होगा यहाँ पे, उसका भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगा। तो सेंट्रो मास का पोजिशन वेक्टर क्या होगा, उसे कोऑर्डिनेट देखने पड़ेंगे। तो सेंट्रो मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर मैं सेंट्रो मास के कोऑर्डिनेट देखता हूँ तो देखिएगा ये सेंट्रो मास है। अगर इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ये लेंथ क्या होने वाली है, ये लेंथ फाइनली 2.5 होने वाली है। 2.5 की होगी क्योंकि मिड पॉइंट है ना, और ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल जो लेंथ बताई गई है वो आपके पास यहाँ पे 5 मीटर है, जो रोड है वो 5 मीटर की रोड बताई गई है। अगर रोड पूरी 5 मीटर की है और यहाँ पे ये जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे पास वाई डायरेक्शन है, तो आप खुद सोचिए अगर मैं इसे कंपोनेंट लिखता हूँ तो ये पूरा कंपोनेंट कितने का है, ये पूरी लेंथ यहाँ पे 3 की है, या 3 की बोल लीजिए, है ना। तो 3 की अगर मान लेते हैं, 3 की मान लेते हैं, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक लेंथ इंस्टेंट पे 2.5 cos थीटा की हो जाएगी, 2.5
2.5 cos आके, तो जो x कंपोनेंट होगा वो इसका सेंटर मास का कंपोनेंट ये वाला होगा, ठीक है। तो अगर मैं x कंपोनेंट देखता हूँ तो बेसिकली x कंपोनेंट कितना आ रहा है, 3 - 2.5 cos आ रहा है। अगर मैं इसको जनरली फॉर्म में देखूँ तो इस फॉर्म में समझने के लिए, तो 3 - 2.5 और cos 53 कितना है, 3/5 है, तो मतलब इसको कैंसिल आउट करते तो ये आपके पास 3/2 आ गया। 3/2 बेसिकली क्या है, जो x का वैल्यू है, जो x कोऑर्डिनेट उसका हाफ ही तो है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x का हाफ हुआ। उसी प्रकार से अगर y की वैल्यू देखूँ तो y क्या होगा यहाँ पे, 2.5 साइंटा होगा। तो y कोऑर्डिनेट अगर आप देखते हो फाइनली, तो y भी अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, 2.5 साइंटा है। और साइंटा की अगर वैल्यू आप देखते हैं तो साइंटा कितना है, 3/5 है। तो 3/5 करते हैं तो बेसिकली कितना हो गया, 3/2 हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी वाई बाई टू है बेटा, मतलब सेंटर मास कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स बाई टू कोमा वाई बाई टू है। तो पोजिशन वेक्टर और सेंटर मास अगर आप लिखते हैं तो एक्स बाई टू आई कैप और वाई बाई टू जे कैप, इट इज द पोजिशन ऑफ सेंटर मास हो जाता है। तो पोजिशन ऑफ सेंटर मास हमने देख लिया कि पोजिशन ऑफ सेंटर मास जो है, पोजिशन ऑफ सेंटर मास जो है बेटा यहाँ पे है ना, तो पोजिशन वेक्टर जो होने वाला है सेंटर ऑफ मास का वो क्या होने वाला है, एक्स बाई टू आई कैप प्लस वाई बाई टू जे कैप होने वाला है। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल मास है वो क्या होगा, फ्रेंचली इसका डिफरेंशिएशन होगा, डी आर अपॉन डी टी का डिफरेंशिएशन होगा। तो 1/2 डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप होगा और यहाँ पे 1/2 डी वाई अपॉन डी टी जे कैप होगा, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल मास लिखता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, डी एक्स अपॉन डी टी जो है, डी एक्स अपॉन डी टी मेरे पास यहाँ पे 2 m/s है, तो यहाँ पे 2/2 आई कैप लिखा। उसी प्रकार से 1/2 डी वाई अपॉन डी टी जो बेटा मेरे पास है 1.5 है, 1.5 है बेटा, लेकिन वो आपका माइनस का जे कैप हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, आई कैप हो गया और माइनस का 1.5/2 जे कैप हो जाता है, मतलब आई कैप माइनस का 3/4 जे कैप हो जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, आई के कोफिशियंट का इसका 1, जे के कोफिशियंट का इसका 9/16, तो यहाँ पे फाइनली कितना हो जाएगा, 25/16 हो जाता है। सॉल्व करेंगे इस स्क्वायर रूट को तो 5/4 मतलब 1.25 m/s, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल मास का वेलोसिटी हो जाता है। जो हमसे पूछा गया था कि सेंट्रल मास का वेलोसिटी क्या होगा, तो हमने कैलकुलेट किया 1.25 m/s होगा। तो हमसे क्वेश्चन में स्पेशली पूछा गया वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल मास इज 1.25 m/s, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।